साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है डिफरेंशिएशन के बारे में और एक जो चैप्टर है उसको भी बताएंगे आपको। चलिए अभी देखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है तो आप जानते हैं, इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। अगर आपको मालूम है, अगर आपको नॉलेज है डिफरेंशिएशन का, अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और डिफरेंशिएशन का जितना भी चैप्टर है उसको ध्यान से देखिए, तब जाके हम लोग को इंटीग्रेशन के चैप्टर समझ में आएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का अपोजिट वर्ड होता है, अपोजिट यानी उल्टा। और आप डीसी जान गए, डिफरेंशिएशन जान गए, इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक है कि आप जानिएगा, बस उसका उल्टा करना है। अर्थात कहा भी गया है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन यानी समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। तो आइए देखते हैं छोटा छोटा बात, जैसे परिभाषा पढ़े जाएंगे समाकलन की परिभाषा। तो यदि एफ एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष जी एक्स है, यानी एफ एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या है, जी एक्स है, तो जी एक्स का समाकलन भी होगा एक्स के सापेक्ष एफ एक्स प्लस सी। जहां ये जो सी होता है ना, सी इसको बोलते हैं सी को समाकलन का अचर, अचर जो बदलता नहीं है। अब इसको सांकेतिक रूप में देख सकते हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर होगा जी एक्स। क्या होगा? जी एक्स। जहां जी एक्स का समाकलन जब करेंगे ना, तो जी एक्स का समाकलन करेंगे तो एफ एक्स, और एफ एक्स का डीसी करेंगे तो जी एक्स। जब एफ एक्स का डीसी करेंगे तो जी एक्स मिलेगा, जी एक्स का समाकलन करेंगे तो एफ एक्स मिलेगा। बस एक बात ध्यान रखिए कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां प्लस ही जोड़ते हैं, और वो जो सी होता है और समाकलन का अचर पद होता है, मतलब वो बदलता नहीं है। इसका दूसरा भी परिभाषा देख लीजिए, समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है, यानी इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब यह है कि एफ एक्स का यहाँ पर हो रहा है क्या, कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, और वो भी किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का इंटीग्रेशन हुआ तो मिला बड़ा एफ एक्स प्लस सी, जहां सी को बोलते हैं समाकलन का अचर पद। ठीक है, उसके बाद ये जो समाकलन का चिन्ह है, हाथी का सूर बोलते हैं या सांप का छत्र, ये होता है समाकलन का चिन्ह है, और ये जो dx है वो x का अवकलन है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब प्रश्न उठता है कि इंटीग्रेशन में हम प्लस सी क्यों जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, एक छोटा सा क्वेश्चन, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टेन। ओके, यानी जो ये दिया है, इन सभी का जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dy बटा डी एक्स, तो हम लोग का मान निकल के आएगा एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा, टू एक्स होगा ना, और इस टू का डीसी जीरो, थ्री का डीसी जीरो, फोर का डीसी जीरो, फाइव का डीसी जीरो, सेवन का डीसी जीरो, टेन का डीसी जीरो। अभी आपको बताया गया कि क्या होता है कि अगर हम डीसी करते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो वाई का मान हमें मिलेगा, तो हम इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं। इंटीग्रेशन को y से सूचित करते हैं और समाकलन का चिन्ह ये रहा, और हम लोग को निकालना है किसका, 2x का, तो 2 को बाहर कर देते हैं, x का इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए क्या होता है। एक मिनट, यहाँ पावर कितना है, 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे, तो 1 में 1 जोड़ दो और 1 में 1 से बाटा कर दो, प्लस क्या लिखो, सी नहीं लिखते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। तो 2x² भाई, 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा भाई, तो इंटीग्रेशन में क्या आ गया बताइए, x² आया ना। अब बताइए x² आया, हम बताएं आपको कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन,
अगर हम इन सभी का डीसी किए तो आया 2x। तो जब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू भी आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री भी आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस फोर भी आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव भी, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, एक्स स्क्वायर प्लस टेन। लेकिन यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के अलावा ना दो आया, ना तीन आया, ना चार आया, ना पांच आया, ना सेवन आया, मतलब ये सब कुछ नहीं आया। तो बताइए जब ये सब नहीं आया तो इन सभी के बदला में हम एक अचर पद सी जोड़ते हैं, यानी दो रहे, तीन रहे, पांच, ऐसे बहुत सारे अंक होंगे जिसका हम डीसी करते हैं तो जीरो समाप्त हो जाता है। लेकिन जब इंटरगेट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इन्हीं सभी के बदला में हम क्या करते हैं कि प्लस सी जोड़ देते हैं। जब प्लस सी जोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये सी एक टोटल वैल्यू इसमें ऑब्जर्व हो जाता है। ओके, अब देखिए जानेंगे हम लोग समाकल्य, समकलन और समाकल, ये तीन पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। समाकल यानी इंटीग्रैंड, समकलन इंटीग्रेशन और समाकल इंटीग्रल। तो समाकल्य पहले जानेंगे, समाकल्य किसे कहते हैं, ठीक है? तो वह फलन जिसका समाकल ज्ञात करना है, यानी वह फलन जिसका समाकल ज्ञात करना है उसे समाकल्य कहते हैं। यानी कॉस एक्स का समाकल क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। यानी कॉस एक्स किसका होता है डीसी, तो बताइएगा साइन एक्स का होता है ना। यानी वह फलन जिसका समाकल ज्ञात करना है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समाकल्य। यानी कॉस एक्स हो जाएगा समाकल्य, क्या होगा समाकल्य। आगे दिए समकलन, यानी इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो किसी फलन का समाकल ज्ञात करने की जो विधि होता है वह विधि को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी समकलन भी बोल सकते हैं, प्रति अवकलज भी बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ओके, आगे देखिए समाकल, ये समाकल तो वह फलन जिसका अवकलज, इसका अगर हम डीसी करें तो साइन एक्स का डीसी क्या होगा, कॉस एक्स, और सी का डीसी जीरो हो जाएगा। तो वह फलन जिसका अवकलज समाकल्य हो, तो साइन एक्स प्लस सी का जब हम डीसी करते हैं तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स आ जाता है और सी का डीसी जीरो। यानी वह फलन जिसका अवकलज ज्ञात करना हो, यानी वह फलन जिसका अवकलज समाकल्य हो, समाकल्य का समाकल कहलाता है। यानी जिसका हम लोग समाकलन करते हैं वह कहलाएगा समाकल्य, और जो मान प्राप्त होगा उसको बोलते हैं समाकल, क्या बोलते हैं समाकल। चलिए आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला। जैसे आप जानते हैं एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन रहे, तो अगर हम डीसी इसका करते हैं तो क्या होगा, एक गुना में आएगा, आएगा ना एन प्लस वन, आप पावर में से वो कम होगा, आप बटा एन प्लस वन लिखेंगे, लिखेंगे इसे कट जाएगा, प्लस में कट जाएगा, क्या मिला डीसी एक्स के पावर एन मिला ना। यानी जब इसका डीसी करते हैं तो एक्स का पावर एन आता है, यानी एक्स के पावर एन का ही जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एक्स का पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, आप प्लस क्या होगा सी। चलिए उसी तरह देखते हैं कि यहाँ पर एक्स है, डीएक्स बाई डीएक्स वन आएगा, आएगा ना। यानी एक्स का एक्स के सापेक्ष डीसी वन आता है, यानी वन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, एक्स प्लस सी आएगा। इसी तरह टू का इंटीग्रेशन करें तो टू एक्स प्लस सी आएगा, थ्री का करें तो थ्री एक्स प्लस सी आएगा, फोर का करें तो फोर एक्स प्लस सी आएगा, फाइव का करें तो फाइव एक्स प्लस सी आएगा। ओके, चलिए उसी तरह देखिए तीन नंबर फॉर्मूला, लॉग एक्स का डीसी वन बटा एक्स होता है। लॉग एक्स का डीसी कितना होता है, वन बटा एक्स, यानी वन बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। यानी जब लॉग एक्स का डीसी हुआ वन बटा एक्स तो वन बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स, और इसमें जोड़ेंगे हम लोग क्या सी, और उसी तरह इसमें भी जोड़ देते हैं भाई। तो जब साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स हुआ तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी होगा।
उसके बाद कॉस एक्स का डीसी होगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ दो तरीका से फॉर्मूला बन जाएगा। अगर माइनस साइन एक्स रहे तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, कॉस एक्स प्लस सी। अगर माइनस साइन एक्स नहीं है, बस साइन एक्स रहे, तो इसका लिखेंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर सिक्स। चलिए आगे देखिए, दिया है टेन एक्स। टेन एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो जब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टेन एक्स प्लस सी आ जाएगा। कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स। देखिए जहां जहां माइनस वाला बात आता है वहां फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट अगर हो समाकल्य के रूप में, अब उसका समाकल ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट क्या लिखिए, कॉट एक्स प्लस सी। लेकिन अगर यहाँ माइनस नहीं दिया रहे तो यहाँ माइनस लिखना होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चलिए सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ क्या जाएगा, sec x प्लस सी। अब cosec x दिया है, तो cosec x का जब डीसी करते हैं तो आता है माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से दो तरीका, अगर माइनस यहाँ लेंगे तो बस cosec x प्लस सी, अगर माइनस नहीं लेंगे तो यहाँ हम लोग को देना पड़ेगा माइनस cosec x प्लस सी। आप यह जानते हैं के पावर एक्स का डीसी के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस सी। चलिए देखते हैं, दिया है साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/√10 और 1 - x²। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी तरह टेन इनवर्स एक्स का डीसी करते हैं तो आता है 1/1 + x². जब इसका हम इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी तरह सेक इनवर्स एक्स का डीसी करें तो आता है 1/(x√(x²-1)। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए ए का पावर एक्स है, तो ए के पावर एक्स का डीसी होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो उसी तरह अगर ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो जहां हम लोग यहाँ गुना करते हैं वहां क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी ए के पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस सी। उसी तरह रूट एक्स का डीसी होता है 1/2√x। तो 2 को हटा दीजिए, 1/√x का जब इंटीग्रेशन होगा तो 2√x प्लस सी। चलिए एक और देख लीजिए, जैसे 1/x के पावर n का जो डीसी होता है आता है क्या, -(n/x) के पावर n प्लस 1। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग अगर इसका इंटीग्रेशन करें, डीसी देख लीजिए क्या होगा, x के पावर -n हो जाएगा। अब मान लीजिए y बराबर x का पावर -n है, जब डीसी करेंगे तो क्या होता है, पावर गुना में आता है, तो -n गुना में आ गया, पावर में से कम होगा, तो -n x के पावर माइनस का वन करेंगे तो n प्लस वन होगा ना, इसको बाटा करें तो -n/x के पावर n प्लस वन हो जाएगा, यानी आ गया। तो इसी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यह माइनस था लेकिन यहाँ माइनस नहीं देते, माइनस दे देंगे तो -1/x के पावर n। चलिए अब छोटा छोटा दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कुछ अलजेब्रिक क्वेश्चन। सबसे पहले हम जानेंगे कि पहला फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है एक्स के पावर एन का डीसी इंटीग्रेशन क्या होता है। तो याद रखना, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर, पावर में एक जोड़ देते हैं और वही पावर से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, यानी एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस ये आता है। ठीक है, अब इसी बेस पर हम लोग बनाएंगे, लेकिन याद रखिएगा एन का मान नहीं होगा -1, एन नॉट इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि जब एक्स का पावर -1 रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x, लिख सकते हैं 1/x का log x प्लस सी होता है। ओके, तो हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे x के पावर 7 dx, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं और उसी से क्या करते हैं, भाग देते हैं प्लस सी, यानी x के पावर 8/8 प्लस सी करते हैं। उसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे x के पावर -6 रहे तो करेंगे क्या हम लोग, कि पावर में एक जोड़ेंगे, तो एक्स का पावर -6 + 1 और -6 + 1 + c, यानी एक्स के पावर -6 + 1 -5 और बटा माइनस लिख के 5 लिख देंगे, क्योंकि -5 होगा, माइनस ऊपर कर देंगे, यानी
हम लोग के पास आएगा माइनस एक्स के पावर पांच बट्टा माइनस पांच बट्टा पांच प्लस सी। अब इसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन रहता है एक्स के पावर सात बट्टा तीन डीएक्स, क्या करना है जी बताया ना, पावर में एक जोड़ते हैं, तो पावर में एक जोड़ेंगे तो एक्स के पावर सात बटा तीन में प्लस वन जोड़ दिए और इसके भी बटा वन हो जाएगा और उसी से क्या करेंगे भाग देंगे, तो इसके नीचे एक लघुत्तम बताइए, एक्स का पावर लघुत्तम क्या आएगा जी, तीन और एक का तीन, तीन से तीन कटेगा सात बचेगा प्लस एक दो तीन तीन बचेगा, और उसी तरह यहाँ भी लघुत्तम तीन आएगा सात प्लस तीन यानी एक्स के पावर सात और तीन दस बटा तीन और यहाँ भी दस बटा तीन। अब हम लोग करते क्या है, दस बटा जो तीन नीचे उसको उल्टा कर देते हैं यानी तीन बटा दस एक्स के पावर दस बटा तीन। तो क्या आपको ये समझ में आया, डीएक्स नहीं लिखते भाई, आप प्लस क्या लिखेंगे सी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं दो चार, जैसे और देखिए क्वेश्चन, जैसे एक्स का पावर तीन प्लस टू एक्स का पावर दो प्लस फाइव एक्स प्लस छ, ओके इसका इंटरग्रेशन करना है, क्या करेंगे पहले अलग अलग सबको लिख देंगे, एक्स का पावर तीन डी एक्स प्लस, देखो इसमें कॉन्स्टेंट ये दो रहा, दो को बाहर करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, इसमें भी कॉन्स्टेंट फाइव है तो फाइव को बाहर कर देंगे यहाँ एक्स डी एक्स हो जाएगा, इसमें भी कॉन्स्टेंट छ, छ को बाहर कर दो यहाँ डी एक्स लिख दो। अब देखो एक्स के पावर तीन में एक जोड़ो तो तीन में एक जोड़ेंगे क्या होगा बेटा चार बटा चार प्लस दो एक्स के पावर दो में एक जोड़ेंगे तीन बटा तीन, फाइव एक्स में एक जोड़ेंगे दो बटा दो, छ में एक्स छ एक्स प्लस सी, क्या समझ में आया। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन और आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, कुछ दे दे रहे हैं क्वेश्चन, देखिएगा अपने से क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे एक्स एक्स के पावर पांच प्लस छ एक्स के पावर तीन नौ एक्स स्क्वायर छ एक्स माइनस सात, ये इंटरग्रेशन का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए और देखते हैं एक्स के पावर तीन माइनस छ एक्स स्क्वायर प्लस सात, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एक्स के पावर सात एक्स के पावर आठ एक्स के पावर नौ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एक्स के पावर तीन बटा दो एक्स का पावर आठ बटा तीन एक्स का पावर सात बटा दो, क्या क्वेश्चन है सारे, इस सारे क्वेश्चन को आप बनाएगा और अपने आप को आंकिएगा क्या हमको ये डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन अच्छा लगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा।